महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महिलाओं के सम्मान में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। तो आइए जानते हैं यह योजनाएं कौन सी है इस खबर में। कोपर गांव के चौराहे पर शांति शिक्षिका है, नयन खिलाड़ी, कपिलबाई कीर्तनकार और कई लड़कियां एसटी बस का इंतजार कर रही है। जिस बस स्टैंड पर कभी एक दो महिलाएं ही दिखती थी, वहां आज कई महिलाएं यात्रा करती दिखाई दे रही है। ये महिला सम्मान योजना के कारण संभव हुआ है। इस योजना ने महाराष्ट्र में महिलाओं को एसटी बस यात्रा पर 50% की छूट दी है और यात्रा को अधिक सुखद और किफायती बना दिया है। इससे फायदा ये हुआ कि पैसे बचने से शांति को घर खर्च के लिए ज्यादा पैसे मिल गए। नयन अपने लिए दौड़ने वाले जूते खरीद पाई, जबकि कपिला बाई ने कीर्तन शाला शुरू कर दी। खेल हो या बिजनेस, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है। देवा भाव ने यह योजना लाकर महिलाओं को सशक्त और सम्मानित किया है।